तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल के एक अपडेट के बारे में बताने और कमाल के नए फीचर के बताने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता होगा, सैमसंग गैलेक्सी के अंदर आपको सैमसंग का फाइल मैनेजर मिलता है दोस्तों। उसके अंदर एक कमाल का नया अपडेट आया और नए अपडेट के साथ कमाल के नए नए फीचर उसमें एड ऑन कर दिए गए। क्या ये हिडन फीचर है, कहाँ ये मिलेंगे, कैसे यूज करेंगे, सब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ डिटेल में। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। तो दोस्तों, इसके लिए आपको जाना है अपने मोबाइल में गैलेक्सी स्टोर में। गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद आपको अपने माई फाइल को अपडेट कर लेना है, जिसका अभी लेटेस्टली अपडेट आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आकर आप देखेंगे इसका जो वर्जन है 15.0.0.4.5, जिसको रोल आउट किया 8 अप्रैल 2024 को, जिसका साइज है 19 MB का। ये रोल आउट मेरे पास अभी आज के दिन आया है। जैसे कि आपको बताया कि हर मीटर रेंज के हिसाब से रोल आउट होता है, तो ये आज आपको आया। ऑफिशियली इसमें कुछ नया चेंजेस नहीं दिखे, बट कमाल के नए हिडन फीचर्स में एड ऑन किए गए। क्या मिलेंगे वो आपको आगे बताने वाला हूँ। तो उसको अपडेट करने के बाद आपको उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ 3 डॉट्स पर जाना है, यहाँ सेटिंग्स पर चले आना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको नीचे जाना है, यहाँ पर अबाउट फाइल वाले ऑप्शन पे। अबाउट फाइल्स वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है 5 to 7 times। वहाँ पर आ जाएगा इनेबल माई फाइल एप्स करके, जो कि इस अपडेट के बाद आएगा। आपने उसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आएंगे तो आपको नीचे माई फाइल एप्स का ऑप्शन आपको दिखने लग जाएगा, आपको उसमें चले जाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे लैब्स का मतलब क्या होता है, कि जो भी अंडर डेवलपमेंट वाले जो फीचर्स होते हैं ना, वो आपको मिलते हैं यहाँ पर। नोटिस ऑल फंक्शन इन लैब आर नॉट ऑफिशियली बट ओनली फॉर इंटरनेट टेस्ट, मतलब टेस्टिंग के पर्पज से ये वाले फीचर्स होते हैं, जैसा कि वहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहला कमाल का जो फीचर दिया गया है वो है परमानेंट डिलीट ऑप्शन। तो अब आपको कोई भी चीज़ डिलीट करेंगे तो आपको परमानेंट डिलीट वाला ऑप्शन वहाँ पर मिलने लगेगा। कैसे, जैसे कि मैंने इसको ऑन करा, इसको ऑन करने के बाद मैं बैक आया और कोई भी अपनी एक चीज़ को डिलीट करना चाह रहा हूँ, लाइक मुझे इसको डिलीट करना है, मैंने इस पर क्लिक करा और यहाँ पर डिलीट पर क्लिक किया, तो अब आपको यहाँ पर परमानेंट डिलीट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि पहले नहीं आता था। अब आपको यहाँ पर परमानेंट डिलीट वाला ऑप्शन भी यहाँ पर दिखने लगेगा। तो सबसे पहला कमाल का फीचर यही है। उसके बाद बात करें सेकंड नए फीचर की, वापस जाएं सेटिंग्स पे एंड देन माय फाइल लैब्स में। यहाँ पर आपको मिलेगा डेटा हिस्ट्री वाला ऑप्शन। अब आपको यहाँ पर पूरे डेटा को कंबाइन करके बता दिया गया है कि कौन से, जैसे कि एक सर्कल है एक्सेल का, अगर आपने चार्ट देखा हो, चार्ट के हिसाब से बता दिया गया है कि जैसे कि मान लो इस कलर में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इमेजेस हैं आपकी, इस कलर में आपके सबसे ज़्यादा यहाँ पर इमेजेस वीडियोस हैं, जो कि सबसे ज़्यादा आपका डेटा खा रही है। सब आपको बायफ्रेट करके बता रहा है, आप देख सकते हैं, सब आपको बायफ्रेट करके बता रहा है कब कब डेटा एडिट हुआ आज की डेट में, सब आपको एनालिसिस करके बता रहा है। उसके बाद करें ऐप्स में, तो ऐप्स में जाएंगे तो ऐप्स वाइज भी बता देगा कौन सी ऐप्स ने सबसे ज़्यादा आपका डेटा खाया हुआ है, तो पूरा एनालिसिस करके ये आपको बता रहा है। तो कमाल का ये फीचर दिया है एनालिसिस करने के लिए। उसके बाद बैक आएंगे, थर्ड ऑप्शन दिया है फाइल ऑपरेशन हिस्ट्री, तो फाइल ऑपरेशन की हिस्ट्री सब आपको मिल जाएगी, क्या क्या इसके अंदर हुआ है पूरी हिस्ट्री को आप देख सकते हैं, कौन सा डेटा कब हुआ, मूव हुआ, क्रिएट फोल्डर हुआ है, अनइंस्टॉल कब हुआ, एम्प्टी ट्रेस कब हुआ, डिलीट क्या हुआ, मतलब सब कुछ चीज़, कॉपी कब हुई, ये सब चीज़ें आपको बता देगा। मतलब बहुत अच्छा ऑप्शन है, किसी ने अगर आपके मोबाइल से कुछ कॉपी या मूव किया हो या कुछ डिलीट किया हो तो आप यहाँ से उसको एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद आ रहा है मीडिया फाइल इन पेंडिंग स्टेटस, तो मीडिया फाइल जो भी कुछ पेंडिंग स्टेटस में है वो सब आपको यहाँ पर दिखा देगा। जैसे कि नो मीडिया है, ये कुछ जैसे फाइलें होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, बैकअप फाइल्स या कुछ हिडन फाइल्स होती हैं, वो सब आपको यहाँ पर बता देगा कि कंप्लीट नहीं हुई है, पर ये आपके मोबाइल के डेटा को ले रही हैं। आप चाहें तो यहाँ से सिलेक्ट ऑल करके कुछ कर नहीं सकते, वो सिलेक्ट ऑल ही कर सकते हो आप, ठीक है, ये फीचर यहाँ पर दिया गया। उसके बाद बात करें नेक्स्ट फीचर की, ओरिजिनल फाइल ऑफ एडिटेड इमेज वीडियो फाइल, कुछ ओरिजिनल फाइल जो कि एडिटेड हुई हैं या कुछ जैसे कि रिक्लेम, जो कुछ फाइलें हैं जो आप एडिट कर चुके हैं या वीडियो हैं जिसको आप एडिट कर चुके हो, जिसको आपको ओरिजिनल वापस लाना है, तो आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि मेरी फ़ोटो है एडिट हो चुकी है और आप चाहें इसको डिलीट भी करना चाहें तो पुरानी वाली को डिलीट कर सकते हैं। रिक्लेम स्पेस ऑफ डिलीटिंग द इनविजिबल बैकअप्स यूज टू लेट योर रिवर्ड एडिट फीचर्स एंड वीडियो बैकअप देयर ओरिजिनल, मतलब क्या रहता है कि आपने किसी फ़ोटो या वीडियो को एडिट किया तो उसकी जो ओरिजिनल का बैकअप है ना, बैकग्राउंड में रहता है, तो ये पूरी वो फाइलें हैं जो आपने एडिट कर चुके हैं पर बैकग्राउंड में उसका स्पेस है और आप चाहें तो उसको डिलीट कर सकते हैं, जिससे आपका बैकअप तो नहीं होगा वापस, बट आपका स्पेस वहाँ पर बच जाएगी क्योंकि आप ओरिजिनली उसको एडिट कर चुके हैं, तो ये उस वाला डेटा आपको यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद बात करें रिकॉग्नाइज फोल्डर, तो आप फोल्डर को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कैसे, दिस विल बी टीडी अप द फोल्डर डेट हैज़ ओवर 100 आइटम, दिस विल बी रिड्यूस टाइम टू फाइंडिंग फाइल। तो यहाँ पर आपको फाइंडिंग फाइल करने के लिए अच्छा ऑप्शन दे दिया गया है, जिसके अंदर 100 से ज़्यादा आइटम है, वो आपको कुछ अलग करके बताने वाला है। देखते हैं, जैसे कि मैं आ गया हूँ यहाँ पर फोल्डर्स में,
तो ये आपको आइटम बता देगा इसके अंदर आइटम कितने। ये आप साइड में देख रहे हैं, आप आइटम देख सकते हैं साइड में, मतलब उसका बायफ्रिक करके बताने वाला है कि इस फोल्डर में कितने आइटम हैं। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली देख सकते हैं इस फोल्डर में कितने कनेक्टिंग फोल्डर, तो आप यहाँ पर वो व्यू कर पाएंगे। तो यही कुछ हिडन फीचर्स है जो कि अभी माई फाइल्स के अंदर एड एंड किए गए हैं, माई फाइल लैब्स के अंदर, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और हो सके वीडियो और मेरे चैनल को शेयर जरूर कर देना, ताकि और भी आप जैसे लोग इस पर एड ऑन हो सके। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करो। अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर DM करके ही पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो कर लेना। ऐसी नई अपडेट्स के लिए मेरे व्हाट्सअप के चैनल पर भी फॉलो कर लेना, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच।